Recording in progress. ये रोसू और पिस्टोलोजी इन दो शख्सियात के हवाले से आज हम गुफ्तगु करने लगे हैं। ये दोनों नेचुरलिज्म फिलासफी ऑफ एजुकेशन जो है, नेचुरलिज्म जो फिलासफी है उसके हामी है। नेचुरलिज्म हम फिलासफी पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर हमने नाइन फिलासफिकल स्कूल ऑफ थॉट के हवाले से बात कर, उनमें एक नेचुरलिज्म है। और ये जो पिस्टोलोजी है और रोसू है, ये दोनों नेचुरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट को जो है वो बानी भी समझ लिए, फाउंडर में भी, और इन्होंने उसके मुतालिक काफी काम किया हुआ है, उसके ये हामी है। अब रोसू जो है, ये इसकी थोड़ी सी इनकी बायोग्राफी भी देखेंगे। सम टाइम जो इंटरव्यूअर है वो ये पूछ लेता है किसी हवाले से, किसी की बायोग्राफी के हवाले से बात कर लेता है। पहली जेन जोकस जो रोसू है, इसका असल नाम जीन जोकस जेकस रोसू था, और स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा के अंदर 1712 के अंदर पैदा हुआ। 1762 के अंदर इसकी वफात है, 1752 से 1762 के अंदर। ये एक फिलासफर था और राइटर भी था। फिलासफर कहते हैं हर वो शख्स जो सोचता है और अपने नजरियात देता है और चीजों को बड़ा कायनात के अंदर एग्जिस्ट होने चीजों के मुतालिक सवालात करता है और उनके जवाब तलाश करता है, उसे हम फिलासफर कह रहे होते हैं। और राइटर भी था। इस फिलॉसफी प्ले वाइटर रोल इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये जो फ्रांस का जो इनकलाब आया था इसके अंदर भी इसकी जो फिलॉसफी है उसका एक बड़ा किरदार था। इसने दो किताबें लिखी थी, एक द इमाइल है और एक सोशल कंट्रैक्ट है। इमाइल और सोशल कंट्रैक्ट, ये बेसिकली यही इसी तरह ही है कि नेचुरलिज्म वाले स्कूल ऑफ थॉट ही इन्हीं के अंदर जो है एक्सप्लेन किया गया है। इमाइल के अंदर एक लड़के की स्टोरी है, वी गेट ट्रू नॉलेज फ्रॉम नेचर। अब इनके स्लोगन, इनके लोगो, इनकी स्लोगन की तरफ आते हैं, कहते हैं कि हम जो असल नॉलेज है वो नेचर से हासिल करते हैं, नॉट फ्रॉम सोसाइटी। यानी कुछ लोग सोसाइटी के हामी है ना, ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है ये तो बनाते हैं लोग, और ये सोसाइटी को कर देते हैं गडमड कर देते हैं, सोसाइटी को खराब कर देते हैं। असल नॉलेज हम नेचर से लेते हैं, नेचर बड़ी पाकीजा है, नेचर बड़ी इंसान के यानी फितरत जो है, जैसे फितरत के करीब है। यानी खुदा ने इस कायनात को जो डिजाइन किया है बड़े जबरदस्त एक मुनज्जम तरीके से किया है, हर चीज एक जबरदस्त है। तो जो असल नॉलेज हमें मिलता है वो नेचर से मिलता है, सोसाइटी से नहीं मिलता। इसका जो वालिद मुहतरम थे वो एक घड़ी रिपेयर करते थे, मतलब ये बताने का कि ये कोई इतना ज्यादा अमीर नहीं था, ये एक आम लोअर मिडिल क्लास में से था। अब यहीं से मुझे बात याद आ गई, मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे जियाउल्लाह खटक साहब आज की क्लास के अंदर शामिल है कि नहीं। जी शामिल है, अभी मतलब ले रहे हैं। इनकी तरफ से एक सवाल था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये बंदा लोअर मिडिल क्लास का है, ये मिडिल क्लास का है और ये अपर मिडिल क्लास का है। देखिए हर वो शख्स जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट ना कर सका, हर वो शख्स जो जिसको जो है ना वो फाइनेंशियल तौर पे इनस्टेबल हो, यानी कभी जरूरियात जिंदगी पूरी होती हो और कभी जरूरियात जिंदगी पूरी ना होती हो, कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम उसके पास ना हो, फाइनेंशियली उसके लिए प्रॉब्लम हो, एजुकेशन मुकम्मल ना कर सके, सेहत और सफर यानी अच्छी गाड़ी का होना, अच्छे घर का होना, सेहत की अच्छी सहूलियात का होना, ये चीजें जो है। अच्छा ये जी आज से तो देखो तो आवाज सिर्फ फेड करके आ रही है, क्या सबके साथ यही मसला है? जी सर, सबको यही मसला है, हमें भी यही मसला पेश आ रहा है। चले अब दोबारा बताइएगा जब आवाज फ्लक्चुएट करे। तो बता बात कर रहा था लोअर मिडिल क्लास की। वैसे आवाज आ रही है अब? जी सर, अब आवाज आ रही है। ठीक है। लोअर मिडिल क्लास हर वो शख्स जो अपनी तालीम मुकम्मल ना कर सकता हो, हर वो शख्स जिसके पास अच्छी गाड़ी अच्छा घर जो है वो ना हो, सेहत की ना काफी सहूलियात हो उसके पास, और फाइनेंशियली इनस्टेबिलिटी हो, कभी रोज जरूरियात जिंदगी पूरी होती हो कभी ना होती हो, तो ऐसे लोग शख्स को हम लोअर मिडिल क्लास कहते हैं। इसके बाद जो अपर जो मिडिल क्लास आती है, मिडिल क्लास वो जिसके पास रहने के लिए घर भी हो,
जिसके पास तालीम मुकम्मल करने के लिए, यानी वो तालीम भी अपनी मुकम्मल कर सके, उसके पास एक जॉब भी है, वाइट कॉलर जॉब, यानी उसके पास जॉब है जहाँ से उसको पता है मंथली पे, जैसे मैं हूँ, मैं अपने आप को मिडिल क्लास कंसीडर इस वक्त कर सकता हूँ कि हम मियाँ बीवी दोनों प्रोफेसर हैं और हम इतनी इनकम हमारी है कि हम अपना घर का जो है वो बेसिक ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। अब इस तरह की सिचुएशन जब आप एक अपनी तालीम भी मुकम्मल कर सकते हो और आपको एक फाइनेंशियली जो है वो इंस्टेबिलिटी भी ना हो कि आपको एक टाइम के अंदर आपकी बेसिक ज़रूरत पूरी हो रही है एक टाइम के अंदर नहीं हो रही, ऐसी चीज़ भी ना हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा शख्स मिडिल क्लास के अंदर है। यानी बहुत शाहाना लाइफ कोई नहीं है, हर डिज़ायर पूरी नहीं हो रही, लेकिन नेसेसिटीज जो है ज़िंदगी की ज़रूरियात जो है वो पूरी हो रही हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम अपर मिडिल क्लास, वो क्लास होती है जिनको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं, वो मतलब उनके पास जो है वो मैक्सिमम सेविंग भी है, वो अपनी तमाम यानी फाइनेंशियली सिक्योर हैं, अपनी हेल्थ, अपनी घर, अपनी गाड़ी, अपना जो है वो जैसे कहते हैं एक अच्छी सोसाइटी में अपना घर, अपने पास सारे वसाइल हैं उनके पास, जिनको हम अपर क्लास कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे यानी कि एक पुअर क्लास से ताल्लुक रखता था। ही वॉन्ट्स टू लिव इन स्टेट ऑफ नेचर, देर शुड बी नो, वो कहता था कि ऐसी स्टेट के अंदर, ऐसी रियासत, ऐसी जगह पे रहना चाहिए जहाँ कोई क्राइम ना हो, जहाँ कोई लालच ना हो, जहाँ कोई नस्ली फसाद कोई ना हो, सब लोग सुकून के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो। तो कल की एक यूनेस्को की किसकी एक रिपोर्ट चल रही है ना, जिसके अंदर सबसे कम तनख्वाहें दुनिया के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन को मिलती हैं वो पाकिस्तान के अंदर मिलती हैं। तो अब यानी कि यहाँ पे खैर पाकिस्तान को जैसे कहा जाता था, कहते हैं कहने वाले कि ये एक जन्नत है, और इस जन्नत नज़ीर मुल्क को जो है वो खा गए लोग, लूट के खा गए, और उन्होंने मफाद परस्त टोले ने, यानी अगर नेचुरल की बात करें तो अल्लाह ताला ने इस वक्त इस मुल्क को तमाम बेपनाह वसाइल भी दिए हैं, और लोगों के अंदर यकीन करें पाकिस्तान के लोगों के अंदर इतना पोटेंशियल है, ये इतने मेहनती भी हैं और पोटेंशियल भी है इनको, सिर्फ इन लोगों को यानी कि ऊपर से जो अच्छी अच्छे हुकूमत का ना होना और अच्छे निज़ाम का ना होना उसने इन इन लोगों को जो है वो जवाल पजीर कर दिया हुआ है, और बहरहाल मुसलसल तौर पे पाकिस्तान के लोगों को एक फसाद के अंदर रखना, लड़ाइयों के अंदर रखना, इनको उलझाए रखना, वो चीज़ें उसकी वजह से ये कौम जो है वो दुनिया की नाकाम तरीन कौमों के अंदर इस वक्त है। अब हमारे ही मुल्क के लोग होते हैं, मेरे अपने दोस्त हैं यूके के अंदर 24 लाख यानी 24 24 लाख एक मंथ का कमा रहे हैं, यानी ऐसे लोग हमारे ही दोस्त हैं जो करोड़ों रुपए में तनख्वाह दुनिया में ले रहे हैं, कुछ पोटेंशियल है वही लोग, जहाँ पे इनको अगर 12 लाख तनख्वाह मिले तो सुप्रीम कोर्ट उसको बुला लेती है कि हाँ जी किस कानून के तहत तुम 12 लाख ले रहे हो, और वही अपने सुप्रीम कोर्ट को जजेस अगर 16 लाख तनख्वाह ले रहे हैं उसके ऊपर कोई 1 रुपये टैक्स नहीं दे रहे हैं, उसके अलावा 2000 यूनिट बिजली के क्या क्या मरात ले रहे हैं, लेकिन उनको उसको नहीं होता, लेकिन कोई अगर बाहर से कोई टैलेंटेड बंदा पाकिस्तान में आ जाए और किसी में ले रहा हो कुछ प्रोजेक्ट पे, उसको इनको कुछ तकलीफ पहुंचती है। बहरहाल यहाँ बड़े मसाइल हैं हम जिसको कह सकते हैं, और वैसे यहाँ से अमेरिका पे से लेके आ सकते हैं किसी वजीर खजाना को 3 करोड़ पर मंथ उसे दे सकते हैं ये लोग। चले आगे चलते हैं। अच्छा कहते हैं कि जो असल नॉलेज है वो कहाँ नेचर से लेते हैं, सोसाइटी से हम नहीं लेते। मैन सेंस आर्गन आर गेटवे ऑफ नॉलेज, जो इंसान के सेंस आर्गन हैं जैसे चखना सूंघना, यानी कि चखना सूंघना देखना सुनना, ये सारा टच करना, ये सारे सेंस हैं, और ये इनसे जो नॉलेज हम ले रहे होते हैं ये हमारा गेटवे ऑफ नॉलेज है कि हम सारा नॉलेज यानी सेंसेस के जरिए ले रहे होते हैं। रियलिज्म वाले भी यही बात करते थे कि एम्पिरिकल नॉलेज या सेंसेस की बात करते थे, ये भी सेंस की बात करते हैं। एजुकेशन बाई सेंस आर्गन इज ट्रू एजुकेशन, वही वो एजुकेशन वही है, लर्निंग वही है जो हम किसी चीज को चख के सूंघ के सुन के देख के टच करके लेते हैं, वही ट्रू एजुकेशन है, बाकी ख्याली बातें एजुकेशन नहीं है आइडियलिज्म वालों की तरह। दे टॉक अबाउट नेचुरल स्टेट, ये नेचुरल स्टेट की बात करते हैं, नेचुरल आदमी की बात करते हैं, नेचुरल सिविलाइजेशन की बात करते हैं कि हर चीज़ फितरत के मुताबिक होनी चाहिए, हर वो चीज़ जो फितरत के एंटी है वो नहीं होनी चाहिए। गॉड मेक्स ऑल थिंग्स गुड, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने, खुदा ने सब चीज़ें जो हैं वो ज़बरदस्त बनाई हैं, एक इंसान है जिसने इन चीज़ों को मेडल्स कर दिया, इनको खराब कर दिया है और इनको जो है वो बुराई बना दिया है। मैन रीजनरेट थिंग, इंसान जो है वो चीज़ों को रीजनरेट करता है, यानी मैन रीजन यानी खुदा ने चीज़ों को एक तरह बनाया है और हम उन चीज़ें, अगर यही देखें जैसे देखें कि अगर किसी जगह पे नीम के दरख्त 10 लगे हुए हों
तो वो इर्द गिर्द वहां पे एसी, कितने एसी से जबरदस्त माहौल होगा, लेकिन हमने दरख्तों को खत्म कर दिया। इवन हमने हमारे घरों के अंदर कोई दरख्त नहीं है, हमारे इलाके पूरे पूरे शहर के टाउन के अंदर कोई दरख्त नहीं मिलता, और वही उसी की जगह पे वहां पे हमने जो है सैकड़ों एसी लगवा लिए। हमने नेचर को रीजनरेट करने की कोशिश की, और जो नेचर है उसको खत्म करके उसके नेचर के फवायद मशीनरी से लेने की कोशिश कर दी, और उस वजह से क्या क्या हम नुकसान उठा रहे हैं। उसके अलावा जो है वो पर अब इसके मुतालिक थोड़ा एजुकेशन के हवाले से इसकी बातों को देखते हैं, यही बातें सम हो रिपीट करेंगे हम नेचुरलिज्म के अंदर भी। ये कहता था प्रिपेयर चाइल्ड टू लिव लाइफ, बच्चे को इसलिए तैयार करो को एक जिंदगी गुजार सके। कैसी जिंदगी गुजार सके, कि वो चाहे तो रिलीजियस एजुकेशन हासिल करे, मॉरल करे, सोशल एजुकेशन करे, जो उसका एजुकेशन का दिल करे वो करे। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चे की मर्जी के मुताबिक एजुकेशन होनी चाहिए। चाइल्ड फ्री फ्राम इंस्टीट्यूशन आर स्कूल, ये जो इदारे बनाए जाते हैं कि जी अब 3 साल का हो गया है, 5 साल का हो गया, इसको स्कूल में डाल दें, तो वो इन इदारों के खिलाफ था। वो कहता था कि ये इदारे जो हैं ये नेचर के अगेंस्ट हैं। आप एक बच्चा जिसने इर्द गिर्द के माहौल से सीखना है, जिसने अपने घर में लोगों के साथ मिलजुल के, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल के खेल के मैदान के अंदर, और उसने जो है ना वो अपनी बेसिक जरूरियात को पूरा करते हुए अपनी लर्निंग करनी है, उसको हम स्कूल के अंदर भेज देते हैं, स्कूलों के ये खिलाफ था। ये कहता है ये इदारे जो है ये खराब करते हैं। इस हवाले से यहीं पे बात करता चलूं कि मैं भी जो है वो इदारों के खिलाफ हूँ। मेरे बच्चे अभी 3 साल का बड़ा बेटा है मेरा, और मैं मुस्तकबिल के अंदर ये सोचता हूँ, ये इरादा रखता हूँ कि मैं उसको स्कूल के अंदर जो है नहीं भेजूंगा, मैं जल्दी स्कूल के अंदर नहीं भेजूंगा, मैं उसकी होम स्कूलिंग करूंगा। क्योंकि अगर मेरे देखिए आपके बेटे को, आपके बच्चे को जब वो स्कूल में जाएगा, तो उसको वहां पे पहले दिन ही कोई रोकने वाला होगा, आपने यहाँ बैठना है, आपने उठना नहीं यहाँ से, आपने झूठ नहीं बोलना, मतलब उसको थोड़ा रोका जाएगा, ये क्या कर दिया तूने, उसको मारा क्यों है, कल ये काम करके आना है। जितनी भी प्यारे स्कूल हों, जितने भी प्यार से पढ़ाने वाले हों, कुछ ना कुछ वो आपके बच्चे की जो नेचुरल सलाहित है उनको रोकेंगे, और बच्चा उनसे डरेगा, और उस डर की वजह से उसकी जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं दब जाएगी। स्कूल अच्छे भी आ रहे हैं, बच्चों की कुछ अच्छी एक्टिविटीज भी मंजर आम पे आ रही है, लेकिन वो एक्सपेंसिव भी इतने हैं। मतलब मेरी भांजी जहाँ जंग के अंदर चुनाव कॉलेज है वहां पढ़ती है, वो पर मंथ जो है ना वो 11,000 कास्ट कर रहा है उनकी फीस, उनकी ट्रेवलिंग। अब 11,000 एक बच्चे को का, और उसके अंदर भी वहाँ 6 मंथ जो है ना इनको तकरीबन छुट्टियां होती हैं, कि उनके हफ्ते की छुट्टी है, उनकी फलां छुट्टियां हैं, इस तरह उनकी छुट्टियां, और सिर्फ 1-2 घंटे की स्टडी के लिए हम जो है उसको इतना पैसे, और फिर 3 साल के अंदर उनको जो है वो 2 क्लास से पहले 3 क्लास उसे फर्स्ट क्लास में लगाने पड़ेंगे। तो यही आप कायदे, ये सारी चीजें, गैजेट, हर चीज लेके आप बच्चे को घर के अंदर अच्छा पढ़ा सकते हैं। बहरहाल बच्चों को जल्दी स्कूल नहीं भेजें, बच्चों को अपने को स्कूल लेट भेजें। अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो उनकी घर के अंदर ही उनकी अर्ली एजुकेशन जो है वो करवाएं। इवन वो ज़ीशान उस्मानी साहब हैं और बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बच्चों के 8वीं क्लास तक ऐसे कोर्सेज बना दिए हैं कि आप दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर 8th स्टैंडर्ड जो है ना, 8th स्टैंडर्ड तक एग्जाम देना चाहें, आप उन बुक्स को करवा के आप 8th स्टैंडर्ड तक एग्जाम दे सकते हैं। हमारे मुल्क के अंदर एक तो हमें ये भी नहीं पता कि इतने सिस्टम चल रहे हैं कि कौन सा सिस्टम जबरदस्त है, किस सिस्टम के जरिए हमें बच्चों को पढ़ाना। कभी कैम्ब्रिज है हमारे पास, वो क्या बोलते हैं, ऑक्सफर्ड है, मॉन्टिसोरी, ये किंडरगार्टन, कितने निज़ाम बनाए हुए हैं, और सब दुकानें हैं जो चलाए जा रहे हैं। तो अगर आप उन बच्चों को वो स्टैंडर्ड करिकुलम जो है, जो एक मुख्तलिफ एजुकेशनिस्ट ने बनाया है, आप उनको अपने बच्चों को घर पे तैयार कर लें, और वो तैयार करके आप बच्चों को डायरेक्ट 8वीं के इम्तिहान दिलवा के किसी भी स्कूल में, किसी इदारे में, किसी भी मुल्क के अंदर आप उसको डायरेक्ट 9th के अंदर जो है वो बिठा सकते हैं। तो बहरहाल ये एक अलग से बहस है। अच्छा, इसके अलावा कहता है फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल डेवलपमेंट, के बच्चे को जो है वो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, अगर आप घर के अंदर, जैसे देखें मैं, मेरी कोशिश होती थी, होती है अब भी, हफ्ते में 1-2 दिन तो जरूर करता हूँ कि अपने बच्चों को शाम के टाइम पार्क में लेके जाया जाए। अब पार्क के अंदर स्लाइडिंग भी है, झूले भी हैं, हर तरह की चीजें हैं, बच्चे वहां पे वहां सीखेंगे, यानी उनकी फिजिकल डेवलपमेंट हो रही होगी। अगर आपका घर बड़ा है तो ये चीजें आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटा घर है तो आप नजदीक किसी पार्क में लेके जाएं। इंटेलेक्चुअली गुफ्तगु अब बच्चों के साथ जो है ना छोटी छोटी उनके साथ करें, जैसे पहेलियां होती थी पुराने जमाने में, हमारे दौर में पहेली की किताब होती थी 2 रुपए की, वो लेके आता स्कूल में 5 रुपए की, और उस पहेलियां बच्चों से करना, उसको सोचने पे मजबूर करना कि इसका जवाब क्या होगा, यानी कुछ इंटेलेक्चुअल जो है ना वो बच्चे की, आप उसकी जहानत के ऊपर काम करें। इमोशनल डिवेलपमेंट, जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं बेटा आपने फलां से इस तरह मिलना है, ऐसे बात करनी है, ये करना है, वो देखे वो कैसे, यानी थोड़ी बहुत से इसे कह सकते हैं कि हम बच्चे की इमोशनल डिवेलपमेंट करते हैं, कब उसने कैसे बिहेव करना है, कैसे जवाब देना है, कैसे बैठना है, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें जो है बच्चे को सिखानी है।
जबरदस्त जबरदस्त, होना भी ऐसे चाहिए। अगर हम सब किसी के लिए, मसला क्या है, मसला ये है कि हम लोगों के पास टाइम ही कोई नहीं अपने बच्चों के लिए। हम लोग ना इतना अर्न करने में, पैसा कमाने के अंदर, ठीक है हम गरीब लोग हैं, पैसा भी हमारी जरूरत है, और हम उस पैसा कमाने के अंदर इतना महव हो गए, मगन हो गए हैं कि हम अपने बच्चे को जो है ना वो टाइम ही नहीं दे रहे। अगर आप अपने बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम रखें, फॉर एग्जाम्पल रखते हैं कि मैं असर से ईशा अपने बच्चों को दूंगा, बाकी टाइम चलो मॉम है वालदा है उनको देंगे, यानी जब आप अपने बच्चों को टाइम देंगे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट समझ के, कि ये मेरी जितनी मैंने एक ट्यूशन से ट्यूशन पढ़ा के 7,000 10,000 लेना है, इतना ही इम्पोर्टेंट मेरे बच्चों की इन्वेस्टमेंट है। यानी आप जितना पैसा कमा रहे हैं, आप बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कमा रहे होते हैं, कि मेरे बच्चे जो है कल को कामयाब शहरी बने, ये किसी के सामने हाथ फैलाने वाले ना हो, ये कहीं मेरी नाक कटवाने वाले ना बन जाए, तो आप वो पैसा उसके लिए कमा रहे होते हैं। तो यही आप वो टाइम इन्वेस्ट कर दें बच्चों के ऊपर, उनके ऊपर इन्वेस्ट करें, तो जरूर यकीन करें आपके बच्चे जो है वो बेहतर होंगे। और यानी इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, कभी ये करके देखें, इतना टाइम बच्चों को दे के देखें। उसके अलावा टीचर, टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए, एक वो कहता है टीचर्स की जो प्लेस है ना वो माइनर है, यानी देखें टीचर्स डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, वो बच्चों के ऊपर उतने रूल्स उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने चाहिए, हाँ जी ऐसे कर लो ऐसे कर लो हर वक्त, ये नहीं कहना चाहिए। देखें हम जो थे, आप कहीं ट्रेनिंग में जाएं या कहीं पे भी आप किसी इदारे में जाते हैं, तो रूल्स जो बनाए जाते हैं ना, बच्चों से मुशावरे बनाए जाते हैं, अच्छा बच्चों बताओ ऐसे हो क्या क्या हो, बच्चे खुद ही कहेंगे नेचर के, हमें जब उस्ताद पढ़ा रहा हो हमें ज्यादा शोर नहीं करना चाहिए, हमें टाइम पे आना चाहिए, ये चीज पानी की ब्रेक तब। अब सारी बातें अगर बच्चों से डिसाइड पूछ से कर रहे होंगे तो बच्चे भी खुश होंगे, वो खुशी से इम्प्लीमेंट भी करेंगे, यानी उनके ऊपर अपनी तरफ से बनाए गए रूल्स इम्पोज नहीं करने चाहिए, उनको आजादी देनी चाहिए। फिर उसके अलावा बच्चों को सिर्फ गाइड करना चाहिए, उनको जो है ना जो उनकी फ्रीडम है उसको इग्नोर नहीं करना, उनको हमें गुलाम नहीं बनाना चाहिए। बस इस हमारे यहाँ तो सवाल करना जैसे जुर्म बन चुका हुआ है, तो उसी तरह टीचर एक डोमिनेंट पावर है, और टीचर को हाँ हाँ चाहिए, टीचर को यस यस और जीतने वाले स्टूडेंट चाहिए, हर वो शख्स जो सवाल करता है, ये इवन सुकरात जो था ये लोग नहीं थे, बल्कि आज के दौर के अंदर भी देखें कि हम लोग खुद गलत ढूंढते हैं। आप मेरी क्लास के अंदर हैं, मतलब अगर जिस दिन मैं ये कहूँ कि आप क्यों सवाल कर रहे हैं, आप ये गलत सवाल कर रहे हैं, आपको सवाल नहीं करना चाहिए, या मैं आपके सवालों को इग्नोर करना शुरू कर दें, इट मीन कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो जीन जर्म्स हैं जो मुझे डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, कि मैं स्टूडेंट के सवाल को, हर तरह का सवाल आएगा, यानी हाँ मैं मतलब परफेक्ट नहीं हूँ, बहुत सी खामियां हैं, लेकिन सवाल ऐसे होता है कि कभी एक सवाल को एक ही बंदा कितनी दफा कर रहा होता है, लेकिन अगर हम अच्छे टीचर हैं तो हमें उसके सवाल को लेना चाहिए, उसके सवाल को, और अगर वो सवाल हटके भी है फिर भी मुझे अपनी सोच के अकॉर्डिंग उसको जो है वो उसको एड्रेस करना चाहिए। अगर हम लोगों के अपने स्टूडेंट, आप तो बड़े बच्चे हैं ना, बड़े हैं जो बच्चे हैं, अगर हम उनके सवालत को दबाएंगे तो इट मीन हम क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को दबा रहे हैं, समझें कि एक मुल्क दुश्मन एक्टिविटी है अगर आप लोगों के सवालों को जवाब नहीं देते। हाँ ऐसे सोशल मीडिया और जहाँ पे सेंसरशिप लगा के और इस तरह की चीजें करके आप मुंह बंद करवाते हैं, और आप कहते हैं कि जस्ट हमारी जो नाकामियां हैं, हमारी नलायकियां हैं, हमारी बेईमानियां हैं, उनके ऊपर सवाल ना किए जाएं, तो बेसिकली आप दुश्मन मुल्क हैं, आपकी एक्टिविटीज जो है वो मुल्क दुश्मन है। इसके अलावा जो है प्ले वे मेथड जो है वो उसको प्रमोट, यानी खेल खेल के अंदर बच्चों को सिखाया जाए। लेकिन अब भी आप एक यूट्यूब जो है एक बड़ा सोर्स भी है, अगर आपने बच्चों को जैसे कलर के रंग सिखाने हैं तो आपको सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगी कि आप बच्चे उनके साथ खेल भी रहे होंगे, उनके लिए वो इंजॉयमेंट भी होंगे, कलर के रंग भी सीख रहे होंगे। आप जस्ट एक्टिविटीज देखें, आप देखें आज यूट्यूब पे देखें कि मेरा 4 ईयर का बच्चा है और उसको मैंने जो है ना वो एक्टिविटीज सिखानी है, मैं कहता हूँ फिजिकल डेवलपमेंट, ऐसी एक्टिविटीज हो जो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए अच्छी हो, इसकी एज की, तो वो आपको सारी एक्टिविटीज वहाँ वीडियोज मिल जाएंगी, आप उन वीडियोज को करवा के, उनकी प्रैक्टिस करवा के अपने बच्चों की इमोशनली सोशली कॉग्निटिव हर तरह की आप उनकी डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं। नॉट इग्नोर नेचुरल नेचर, यानी जो कुदरत है उसको इग्नोर कभी ना किया जाए। ऐसे ही है जो जॉब है वो नहीं कर सकते, उनको अपनी जॉब टाइम देना होता है, बस उनके जॉब के हवाले अलावा जो है वो कोशिश करें कि इसको एकेडमीज को इतना मुसल्लत करें। सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। सर अब तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। जी अब आवाज आ रही है, क्लियर है जी सर अब क्लियर हो गए। ये? ठीक। अच्छा 2015 के अंदर ना मैं फ्री हुआ था अपने यूनिवर्सिटी से, और फिर आते साथ ही मैंने एक ना प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन कर लिया जंग के अंदर ही। आवाज नहीं आ रही,
आ रही है सर, ले आ सर रही है। हमें तो आ रही है यहाँ पर। लोग बताएं, आवाज नहीं आ रही, आवाज बहुत स्लो है। चले, मेरा ख्याल आ रही होगी आवाज, और गुजारा सर अब करेंगे आ कि रही है। हाँ इसी के साथ ही। जब बात कर रहा था कि 2015 के अंदर मैंने ज्वाइन किया एक स्कूल को, और यूनिवर्सिटी से फ्री होके, और फिर वहाँ स्कूल में पढ़ाना, उसके बाद क्योंकि जरिए मुआश तलाश करना था, उसके बाद मैंने एकेडमी शुरू कर दी। 1 2 3 मैं रात 9 बजे तक एकेडमी पढ़ाता, 8 10 हज़ार मुझे स्कूल से मिलता, और उसके बाद जो है वो बाकी एकेडमी कहीं 3 हज़ार इकट्ठा हो रहा है, कहीं 5 हज़ार इकट्ठा हो रहा है। मैं 8 9 बजे घर आता तो ऐसे थका हुआ होता था कि मैं आते साथ गिर जाता, और मुझसे कुछ भी ना अपने लिए इंटेलेक्चुअली ग्रोथ के लिए, यानी अपने कुछ भी ना पढ़ा जाता, ना कुछ करने की हिम्मत होती। खैर, तब मैं अनमेरिड था तो, लेकिन मैंने सिर्फ 2 3 महीने ऐसे पढ़ाया, और मैंने कहा यार क्या मैं रोबोट बन गया हूँ कि सुबह निकला हूँ और उसके बाद भागी जा रहा हूँ एक घर से दूसरे घर, तीसरे घर। तो मैंने एकदम यकदम ऐसे क्विट किया कि मैंने अपनी स्कूल की जॉब भी क्विट कर दी और सब क्विट कर दिया। तो खैर, मैं अपनी फील्ड के अंदर तक तब चला गया था, लेकिन मैंने ये तजर्बा किया कि मैंने देखिए ये तो एक बड़ी रोबोटिक लाइफ हो जाती है। और मेरे अभी कितने दोस्त हैं कि उनकी यही लाइफ है कि वो मॉर्निंग से लेके ईशा तक जो है वो यही होता है कि वो ट्यूशन से ट्यूशन पढ़ाए जा रहे होते हैं, उनके अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता। तो हम अपनी थोड़ा सा वहाँ पे किसी एक ट्यूशन को गैप करके बच्चों के साथ क्वालिटी जो है वो टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दें। देखें, ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आपके बच्चे सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आपका घर बनाना, आपका कार लेना, आपके जो है ना वो अपनी सहूलियात फराहम करना, वो बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके बच्चे हैं, जो उनको आप क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, उनके साथ गपशप लगा रहे हैं, उनको आप पढ़ा रहे हैं, उनको आप खुद तवज्जो दे रहे हैं, उनके छोटे छोटे इश्यूज को आप खुद टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। चलिए, अच्छा, रिकॉग्नाइज नेचुरल पोटेंशियल कैपेबिलिटीज, और बच्चे की नेचुरल पोटेंशियल और कैपेबिलिटी को रिकॉग्नाइज करें और फिर उसके मुताबिक उसको आगे लेके चलें। एजुकेशन बाय कंसीडरिंग जेंडर, और एजुकेशन देते हुए जेंडर को कंसीडर करें कि मेल है तो मेल के लिए कौन सी फील्ड बेस्ट है, और फीमेल है तो उसकी कौन सी फील्ड उसके लिए जो है वो बेस्ट है। करिकुलम के हवाले से कहता है कि 5 साल तक तो बच्चों की सिर्फ फिजिकल एजुकेशन हो, यानी उसको जैसे वो जंपिंग करवाना, उसकी जिमनास्टिक, छोटे बच्चे चलना फिरना, उसकी मसल को बिल्ड करना, उसकी फिजिकल, उसकी बुकिश नॉलेज, बुक बुक नहीं होनी चाहिए, बुकिश नॉलेज से अवॉइड करना चाहिए। 5 से 10 साल तक वो कहता है इसकी सेंसेस की ट्रेनिंग की जाए। सेंसेस की ट्रेनिंग से मुराद है बच्चे को थोड़ी स्विमिंग करना सिखाया जाए, सुनना कैसे है, खेलना कैसे है, को यानी अपने बॉडी के पार्ट्स को इस्तेमाल करना सिखाया जाना चाहिए। 12 से 15 साल तक उसे कोई वोकेशनल सब्जेक्ट, वोकेशनल कोई छोटी मोटी उसको हुनर सिखाना चाहिए, उसको मैथ है, साइंस, ड्राइंग, लैंग्वेज, सोशल साइंस, म्यूजिक वगैरह होनी चाहिए। 15 से 20 साल तक उसको स्पिरिचुअल और रिलीजियस, यानी अगर 15 से 20 साल फिर वो स्पिरिचुअली रिलीजियस की तरफ आना चाहे तो वो आ सकता है। और चाइल्ड सेंटर की बात, तो रोसो है ना, ये नेगेटिव एजुकेशन की बात करता है। ये कहता है कि 0 से लेके 12 साल तक, यानी बारह स्पिरिचुअल साल मीन तक के सर बच्चे को आप जो है उसको स्पिरिचुअल फ्री छोड़ दें, उस 12 साल के बच्चे को जहां चाहता है जैसे चाहता है उसे सीखने दिया जाए, और वो घूम फिर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, माहौल के साथ दोस्ती करके वो बच्चा अपनी लर्निंग करेगा। तो इसको ये नेगेटिव एजुकेशन का नाम देता है, और इसको ये प्रमोट करता है, और ये 12 साल तक बच्चों की इदारों के अंदर जो है ना वो जो इदारों के अंदर जाना, और इदारों के अंदर टीचर्स के डोमिनेंट होना, उससे ये मुखालफत करते हैं। स्पिरिचुअल से मुराद होता है कि रूहानी, जैसे हम कहते हैं ना आज वो क्या मेडिएशन बोलते हैं। देखें, हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं ये मेडिएशन से, मुराकबा करने से, लेकिन हम लोग इससे दूर हैं, हम एक नफ्स नफ्सी की विनिंग गुजार रहे हैं। आप खुद सोचें कि कभी आपने ऐसे हुआ कि आप आधा घंटा जो है ना वो बैठे हों और सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ आपका फोकस आपके इंटेलेक्ट के ऊपर हो, आपके दिमाग के, या किसी एक चीज की तरफ आप उसकी गहराई में जा रहे हो। ये जो हमारे जितने थे, मैं एक वाक्य पढ़ रहा था कि वो पता नहीं बात है, यहाँ लंबी ना हो जाए, टॉपिक भी आपको पढ़ाना है, तो हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत इमाम इमाम मोहम्मद है, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, वो इमाम अहमद बिन हम्बल उनके शागिर्द थे। अब वो जो है ना वो उस्ताद, इमाम अहमद बिन हम्बल भी एक बड़े जो है ना वो इमाम बन गए, तो इमाम शाफी ने उन्हें दावत के लिए बुलाया। वो इमाम अहमद बिन हम्बल जो है उनके पास दावत के लिए आए, और वो खाना उनके लिए बनवाया गया, वो खाना खाने बैठे, तो उन्होंने इतना खाना खा लिया अहमद बिन हम्बल ने, तो उन्होंने कहा कि इतना खाना, एक अगर हम कहें कि एक बंदा जो जितना ज्यादा है, यानी कि इतना बड़ा इमाम है, और इतना बड़ा इमाम होने के बाद उसे चाहिए कि वो तो 2 लुकमे लेता खाने की, इससे तो इतना ज्यादा खाना खा लिया। तो बड़े हैरान, खैर उसके लिए वो रहने की जगह बना दी गई जहाँ उन्होंने आराम करना था, और वहाँ लोटा पानी का मसल्ला भी उनको दे दिया गया।
अच्छा, जब सुबह उठे तो देखा कि लोटा पानी का भी वैसे पड़ा हुआ है और मुसल्ला बरल, वो उन्होंने क्या, उन्होंने कहा कि एतराज किया घर वालों ने कि ये कैसा इमाम है कि जो जिसने खाया है भी रज के, और जो जिसने रात को हाजत तक यानी कि वुजू तक ये लोटा भी इस्तेमाल नहीं किया पानी का। तो उन्होंने फिर जब ये इस्तफसार किया जाते हुए इमाम शाफी ने, तो उन्होंने कहा कि आपके खाने के अंदर एक हलाल लुक्मे, उसके अंदर बरकात ही इतनी थी, और कि मैं रात को जब बिस्तर के ऊपर लेटा तो मुझे किसी कुरान पाक की आयत के अंदर मसला था, यानी उसका मसला मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैं जब सोचने बैठा तो मुझे उसमें से मैंने 100 मसले अपने जो है उस कुरान पाक की एक आयत से जो है वो हल कर दिए। यानी बात सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जब आप मेडिएशन करते हैं, आप सोच विचार कर रहे होते हैं, तो आप अपने जो मसाइल की सैकड़ों गुत्थियां जो है ना वो हल कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि इसके लिए टाइम ही नहीं होता, हम सिर्फ भागम भाग लगे होते हैं, कभी किसी चीज के ऊपर हमने जो है वो तदब्बर ही नहीं किया होता। कुरान पाक में अल्लाह ताला बहुत सी जगहों पे कहता है अफला यतफक्करून, अफला याकिलून, यालमून, यामलून, यानी कितनी बातों पे, कितनी चीजों पे अल्लाह ताला यही बात कर रहे हैं कि ये लोग सोचते ही नहीं है, ये लोग फिक्र ही नहीं करते, ये लोग तदब्बर ही नहीं करते, ये लोग समझते ही नहीं है, कितनी बातों पे अल्लाह ताला यही बात कर रहे हैं। तो मतलब कि हमें जो है वो सोच विचार करनी चाहिए, हमें अपने मेंटल को, इंटेलेक्ट को जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअल जो है ये बेसिकली सोचना है, तदब्बर करना है, मेडिटेशन करना है, तन्हाई में बैठ के कुछ खुदा को याद करना है, कुछ कायनात के बारे में सोचना है कि ये सब कुछ ऐसा क्यों है, इस तरह को हम कह सकते हैं। और जो नेगेटिव एजुकेशन, इसलिए के 12 साल तक यानी कोई बच्चा बाउंड ना हो और बच्चा अपने मुताबिक जो है वो करे। वुमन एजुकेशन के हवाले से कहता था कि जो फीमेल के एजुकेशन को ज्यादा पसंद नहीं करता था, कदर औरत की एजुकेशन जो है वो डोमेस्टिक लाइफ के लिए होनी चाहिए। अच्छा, देखें, अब क्योंकि हम, मैं भी कहीं ना कहीं मेरी सोच फेमिनिस्ट है, और मैं भी चाहता हूँ कि फीमेल जहाँ जिन चीज़ों के अंदर अल्लाह ताला ने उसे मजबूत बनाया है, उन चीज़ों के अंदर फीमेल के लिए रुकावट नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ के अंदर भी उसके हमें नहीं लेके आना चाहिए। अच्छा, लेकिन हमें अब खुद देखें, चाहता हम सब लोग यहाँ मेल बैठे हैं, सारे चाहते होंगे कि मेरी बेगम जो है वो, मेरी वाइफ जो है वो, कोई उनके पास अच्छी जॉब हो, वो अच्छा पैसा कमाती हो, हम दोनों कमाने वाले होंगे तो लाइफ एक अच्छी गुजरेगी, सारे चाह रहे होते हैं ये। तो लेकिन खुद आप देखेंगे जब वो ऐसा करेगी तो आपकी उससे जो बच्चों की जो है ना तरबियत है, जो जो फैमिली लाइफ है वो डेफिनेटली डिस्टर्ब होगी, वो फैमिली लाइफ कभी भी उस तरह नहीं रह सकती। यानी एक माँ जो घर में है, यानी अगर मैं समझता हूँ मेरी बेगम, चलो ये तो कॉलेज लाइफ, तो प्रोफेसर की लाइफ तो इंतहा ईजी है, 2 घंटे के लिए जाना, अपना पीरियड पढ़ा के एक आ जाना है, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, वो 2 घंटे जाना, और उस बल्कि हम लोग इतना मैनेज करते हैं कि मेरे कॉलेज में मेरा एक पीरियड है सिर्फ, और मेरी बेगम जो है उनका भी कॉलेज के अंदर 1 से 2 पीरियड होते हैं एक दिन के अंदर, तो मैं पहले अपने कॉलेज जाता हूँ अपना पीरियड पढ़ा के, फिर बेगम को कॉलेज छोड़ के आता हूँ, और उनको कॉलेज छोड़ के आके 2 घंटे वो कॉलेज में होती हैं, तो 2 घंटे मैं घर में होता हूँ, फिर मैं वापस उनको कॉलेज से लेके आता हूँ, और उसके बाद मैं अपने जो है वो जाता हूँ अपने कॉलेज में जाता हूँ, और अपनी एक्टिविटीज जो मैंने और करनी होती हैं एक्स्ट्रा, वो अपने कॉलेज के दफ्तर में बैठ के करता हूँ। तो इस तरह करके तरतीब होती है। लेकिन अगर आप देखें कि आप किसी और फील्ड के अंदर हैं, तो आप सुबह से शाम अगर वर्किंग वीमन हैं, तो आप कैसे अपने बच्चों को उस तरह लेके चलेंगे? जी, आवाज का मसला सबको आ रहा है? आवाज जी नहीं, घर में तो आवाज सही आ रही है। का इशू सबको आ रहा है? चलें ठीक है। अच्छा, एजुकेशन इन फॉर कंडक्ट, एजुकेशन जो है ये होनी चाहिए कि हमें लोगों के साथ बिहेव कैसे करना है, हमारा रवैया लोगों के साथ कैसा होना चाहिए, किसको किस तरह यानी कि लेके चलना है। कंडक्ट कहते हैं बिहेवियर, रवैये को, किसके साथ कैसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। और फीमेल के लिए कहता है कि खुराक का और हाउस होल्ड की जो है ना वो उसे एजुकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा डिसिप्लिन के हवाले से कहता है कि फरी एंड नेचुरल डिसिप्लिन, जो कुदरत ने कानून बनाए हैं ना उनके ऊपर चलना चाहिए, कुदरत ने रात सोने के लिए बनाई है तो हमें आराम करना चाहिए, कुदरत ने अगर जो है वो दिन काम करने के लिए बनाया है तो हमें दिनों को काम करना चाहिए, जो कुदरत के कानून हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। इसके लिए कहता है मैन इज बर्न फ्री, इंसान जो है वो आजाद पैदा हुआ है, और ही एवरीवेयर इन चेन, और हर इंसान दुनिया में हर कहीं एक चेन के अंदर है। देखिए, यानी हर इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ उसकी जरूरियात जुड़ी हैं, उसका मिलना जुलना जुड़ा हुआ है, और इंसान एक चेन के अंदर है, कट के नहीं रह सकता। सोशल लाइफ हमने गुजारनी है लेकिन हम फ्री हैं। पनिशमेंट, ये चीज तो है। अब अगर आपको अच्छी जिंदगी गुजारनी है, हमने खुद ही कर ली हुई है,
हमने है ना अपनी जरूरियात जब कमाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख कमा रहे हैं, आपके खर्चे 1 लाख के मुताबिक हैं, आप 2 लाख कमा रहे हैं तो यकदम आपके खर्चे भी 2 लाख के मुताबिक हो गए हैं, आपने उतना अपना लाइफ स्टैंडर्ड भी उसी तरह सेट कर लिया हुआ है। तो ये चीजें हमने कर ली हैं। और बहरहाल जिंदगी गुजारने के लिए एक चीज जो मस्ट मैं समझता हूँ, चाहे मेरी मतलब चाहे शादी से पहले एक दुआ थी या आज साथ कभी गुफ्तगु होती है, इंटेलेक्चुअल गुफ्तगु होती है, तो मैं उनको सिर्फ यही बात समझाता हूँ कि देखें हमें सिर्फ दो चीजों को पकड़ना है, एक शुक्र और सबर को। ये सब कुछ अल्लाह ताला दे दे तो उसका शुक्र है, और अल्लाह ताला ले ले तो हमें सबर करना चाहिए, सब कुछ उसी का है। अगर आपकी तबीयत के अंदर सबर और शुक्र है ना, तो ये कायनात आपकी ही है। आप अगर शुक्र करेंगे, लाइन शक्र तुम लाजीद, अल्लाह ताला बढ़ाते जाएंगे, मतलब आप जिंदगी के अंदर ना, मैं आपको यहाँ पे बात कहीं और चले जाएगी, सिर्फ ये बात बता दूं, आप एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं ना, उसके लिए आपको ये है कि आपको हर लम्हा शुक्र अदा करना चाहिए। देखिए मैं इंसान हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे मुकम्मल इंसान बनाया है, मैं बोल भी रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ, मैं देखता, मेरे दिमाग भी काम करता है, मैं एक बॉडी के लिए अल्लाह ताला फिजिकली मुकम्मल बनाया है, ये सारी नियमतें हैं मेरे अल्लाह की, मैं इनके ऊपर शुक्र अदा करूँ कि यार तेरा लाख लाख शुक्र अल्लाह ताला तूने मुझे ऐसा बना दिया। तो मुझसे कोई चीज इनमें से ले लेता, मेरा कोई इख्तियार नहीं था अपने ऊपर, अल्लाह तो मुझे इतना सोर्स ऑफ इनकम दे रहा है, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तेरी ही वजह से मुझसे ज्यादा जहीन और मुझसे ज्यादा अच्छे लोग जो है वो ऐसे ही फिर रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं, ये अल्लाह का करम। जब आप शुक्र अदा करेंगे, आप सोच नहीं सकते अल्लाह ताला आपको कहाँ कहाँ से देगा। और रिज्क जो है ना, रिज्क सिर्फ पैसा ही नहीं होता, रिज्क आपकी अच्छी बीवी भी है, रिज्क आपका जो है खावत भी है, रिज्क आपका जो है वो आपके घर के अंदर आपकी सेहतमंद है, आपकी अपने वालदैन के साथ बनती है, अपने बीवी बच्चों के साथ बनती है, रिश्तेदारों के अंदर आपकी इज्जत है, ये सारा रिज्क है। यानी अल्लाह ताला की हर नेमत के ऊपर शुक्र अदा करें, और जिंदगी में अंदर कभी दुख आ जाए, कभी परेशानी कुछ चीज आ जाए, तो आप उसके ऊपर सबर करने वाले हों, तो यकीन करें अल्लाह ताला आपको नवाजता जाएगा। और ये सारी भी जिंदगी की चीजें इकट्ठी हो रही होती हैं, और एक ना एक दिन आपको हल जरूर मिला होता है। बहुत सी बातें बताई नहीं जा सकती कि आप हर कामयाब शख्स तो उसने यार लाइफ के माजी के अंदर उसने क्या कुछ ऐसे उसके स्टेप होंगे, ऐसी चीजें होंगी जो उसने की होंगी बगैर, बड़े तहम्बुल के साथ, बड़े ही आजिज़ी के साथ खुदा को वो चीजें पसंद आ गई होंगी, और अल्लाह ताला उनको बाद में उन चीजों के बुनियाद पर नवाज देगा। नहीं तो इंटेलेक्चुअली बड़े लोग पढ़े लिखे हैं, बड़े लोग जहीन हैं, बहुत आगे हैं लोग, बड़े वसाइल वाले हैं, जैसे हम लोग होते हैं यहाँ मेरी क्लास के अंदर, समझता हूँ कि यहाँ 80-90% जो है वो लोग इंतहाई लोअर मिडिल क्लास के होंगे, यानी लोअर क्लास के होंगे, और वो बड़ी बड़ी फीसें भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़े बड़े इदारे अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको एक भाई से इज्जत वाला जो है वो रोजगार अदा करे, इसके लिए आपको आज जो अपनी लाइफ आपको आवाज नहीं आ रही। सर आवाज बहुत स्लो आ रही है। यस जी जी आ जाती है, आ जाती है, अब आ रही होगी आवाज। सर अब ठीक हो गए सर। जी ठीक है। तो बहरहाल जिंदगी को ना, हर लम्हे को, हर हर पल को एक अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करें। हर काम मैंने वो करना है जिसकी मुझे, मेरा इस्लाम, मेरा दीन, मेरी वैल्यूज, एथिक्स मुझे इजाजत देते हैं, मुझे वो करना है। और हर चीज जो मेरी एथिकल वैल्यूज के खिलाफ है, मुझे इन चीजों से बचना है। मुझे जिंदगी के अंदर कुछ चीजों के अंदर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है। मुझे जिंदगी में लोगों के सामने ना कहना सीखना है, अपनी प्रायोरिटीज को देखना है। और बदल कुछ चीजें हैं जिन चीज जो अपने आपके अपनी लाइफ की वैल्यूज सेट करते हैं और उनके उनके ऊपर चलते हैं, तो आपके लिए कामयाबी जो है वो आसान हो जाती है। इसके अलावा कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए बच्चों के लिए, जब बच्चा खुद कुछ गलत करेगा तो नेचर खुद पनिश करेगी। और इसके अलावा नेचर के जो कंसिक्वेंसेज हैं वो गुड हैं, बजाय आपके फिजिकल पनिशमेंट करने के। ये इस तरह की बातें जो है वो ये करता था रोसू ने, जो है ना वो जो इमाइल बुक लिखी थी, इसने उसने अपने एजुकेशन एम के हवाले से बात की थी और आइडियल सोसाइटी के हवाले से बात की थी, और इसने कहा था इनेट कैपेबिलिटीज आर इम्पोर्टेंट। एक बच्चे के अंदर जो अल्लाह ताला ने, जो गॉड ने जो उसके अंदर सलाहितें पैदा की हैं, वो सलाहितें इम्पोर्टेंट हैं, हमें उनको कंसिडर करके उन्हीं को उसके मुताबिक लेके चलना चाहिए। कनेक्ट टू नेचर, हमें बच्चे को नेचर के साथ जो है वो कनेक्ट करना चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर कहता है कि एजुकेशन के अंदर एक तो फ्रीडम होनी चाहिए और बच्चे को आज़ादी देनी चाहिए, यानी कैसे कहता है, उस्ताद सिर्फ गाइड करे, बाकी बच्चे जो है वो खुद बैक टू नेचर, नेचर की तरफ आना चाहिए। लर्निंग बाई सेल्फ एक्सपीरियंस, बच्चे अपने एक्सपीरियंस से सीखें, खुद तजर्बात कर से सीखें, और हर बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना। मेरी क्लास के अंदर 40 बच्चे बैठे हैं, तो हर बच्चा मुख्तलिफ है, हर बच्चा यूनिक है, तो मुझे तब सबकी ज़रूरियात को समझ कर टीचिंग करनी चाहिए।
इसके अलावा कुछ और, एक तो ये है कि पॉजिटिव एजुकेशन, एजुकेशन इम्पॉर्टेड डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ बुक्स, एजुकेशन जो है वो डायरेक्टली, और यानी हम अगर कहते हैं ना वो नेगेटिव एजुकेशन की बात मैंने कहा था कि रोसू करता है, अगर तो हम किताबों से बुक ले रहे होते हैं तो उसे पॉजिटिव बोलेंगे, लेकिन अगर बच्चा खुद कुछ करके सीखता है तो उसे नेगेटिव एजुकेशन बोलते हैं, और नेगेटिव एजुकेशन को रोसू प्रमोट करता है। टीच चिल्ड्रन कंपेल्ड टू डू अडल्ट टास्क, चिल्ड्रन जो उनके बड़े उनको काम कहते हैं वो उनको मजबूर करना, इंस्ट्रक्ट चिल्ड्रन इन ड्यूटीज दैट बिलोंग टू मैन, बच्चों से कहना ये काम करो ये गलत है, नो बुक्स शुड बी यूज, कोई किताब यूज नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव एजुकेशन वाले कहते हैं। नेगेटिव एजुकेशन वाले कहते हैं नॉलेज इज परमानेंट, ट्रू एजुकेशन देनी चाहिए जो फितरत से हो, और जो पॉजिटिव एजुकेशन वाले कहते हैं कि नॉलेज इज नॉट परमानेंट, नॉलेज चेंज होता रहता है। रोसू इसके अलावा लॉज के खिलाफ था, रोसू कहता है ये जैसे क्लास एंड होगी दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिए।